गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं चलते चलते आ गया हूँ ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। तो आज मैंने सोचा मैं भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लूँ, अपना रिटन टेस्ट ले लूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस के तीन टीयर्स होते हैं। तो सबसे लोएस्ट टीयर होता है G1, देन G2, देन G, विच इज़ द फुल लाइसेंस। तो मैंने अपना ये टेम्परेरी लाइसेंस ले लिया है, बड़ी मुश्किलों के बाद मिला है। पूरा इतना अच्छा दिन था, इतने अच्छे मूड से मैं घर से बाहर निकला था, पर पूरा मूड यहाँ के ख़राब हो गया। मैं फेल भी हो गया एक बार, मैंने एक बार री राइड भी किया है, उसके मैंने $16 अलग से दिए हैं, ₹1000 और लग गए। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो दूसरी बारी में मैंने पूरा कर लिया विद 18 करेक्ट आंसर्स। एक्चुअली इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं एंड 20 क्वेश्चन ऑफ साइंस, जो जैसे जो सिंबल्स होते हैं, एंड 20 क्वेश्चन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मेरा साइंस वाला तो पहले अटैम्प्ट में ही हो गया था, उसमें मेरे 19 सही थे, एक उसमें भी गलत हो गया था। लेकिन रूल्स वाले में मैंने जब पहले दिया तो मेरे थे सेवन रॉन्ग आंसर। फिर मैं जाके फेलियर्स की लाइन में लग गया, काफ़ी लंबी लाइन थी ऐसा। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि खाली मेरा नहीं हुआ, सबका ही हो रहा है, सबके साथ हुआ है। तो फिर मैंने फिर से $16 भरे और फिर से मैंने दिया, क्योंकि इसमें एक चीज़ अच्छी है, जब अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हो तो उसका करेक्ट आंसर भी नीचे आता है, ताकि अब अगली बार जब अटैम्प्ट करने जाओ तो आपको क्वेश्चन याद रहता है, उसका करेक्ट आंसर भी पता रहता है। इसलिए मेरे को दूसरी बार मेरा क्लियर हो गया और विद दैट टू विद 18 करेक्ट आंसर। तो लेट मी शो यू कैसा है यहाँ का ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। सो दिस इज़ द ब्रैम्पटन एग्ज़ाम सेंटर। मैप पे सीधा डालोगे ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स इन ब्रैम्पटन तो गूगल पे यही दिखाएगा। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, क्या था। सो आप एक और काम कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्यूआर कोड से आप इनकी लाइन का क्यू ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको एक टिकट नंबर मिल जाएगा और टिकट नंबर पे आपका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ एग्ज़ाम भी दिखा देगा, तो आप उसी टाइम पे सीधा सेंटर पे भी आ सकते हो। डेढ़ बजे आया था, 5 बजने वाले हैं, 5:30 हो गए, मतलब 4-5 घंटे तो आप लेके चलना अगर आप सीधा वॉकिंग आ रहे हो। और कभी कभी अगर आप टिकट रेस कर रहे हो तो कभी कभी टाइम कम भी होता रहता है, क्योंकि कोई कोई लोग बीच में आते नहीं हैं तो नेक्स्ट में मूव हो जाता है, तो वो टाइम रियल टाइम अपडेट होता रहता है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी। बाकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैरी करने हैं, आपको बस अपना पासपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना पासपोर्ट ले आओ, नो सिन नंबर, नो स्टडी परमिट, नथिंग। तो सबसे पहले जाते ही आपका वो, पहले मैंने बताया जैसे टिकट रेज होगी, फिर वहाँ पर आपको जो टोकन मिलेगा उस टोकन स्क्रीन पर आएगा, जो नॉर्मल सिस्टम होता है। तो आपको उस काउंटर पर जाना है, फिर वो आपका आई टेस्ट करेंगे, पहले वो आपकी आईडी देखेंगे, फिर आपको फॉर्म भरवाएंगे, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, आपकी आई सेट ठीक है, आपको कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है। सो उसमें जनरली सबको नो नो करना होता है, तो जैसे ही आप नो नो करोगे आपका आई टेस्ट करेंगे। आई टेस्ट में आपसे जो नॉर्मल आई टेस्ट होता है, आपसे अल्फ़ाबेट्स पढ़वाए जाएंगे छोटे बड़े, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस मशीन में सबको डार्क हो जाएगा, और एक बार लेफ्ट से राइट से रैंडमली लाइट्स ब्लिंक होंगी, तो आपको वो जो एग्ज़ामिनर है उसको बताना है कि आपको लाइट कहाँ से दिख रही है, मतलब लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, सीधा लेफ्ट राइट में आंसर करना है। और जैसे आपका हाई टेस्ट हो जाएगा, फिर वो आपकी हाइट चेक करेंगे और फिर एक जैसे फ़ोटो लेंगे जैसे लेते हैं हर एग्ज़ाम में, और फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर में भेज देंगे। उस पर आपका कंप्यूटर सिस्टम मेंशन होगा, कंप्यूटर सिस्टम अच्छा था, मतलब एक स्क्रीन ही थी टच स्क्रीन, तो वो ईजी हो गया पॉइंट मार्क करने, मतलब आंसर मार्क करने, तो ठीक था। मेरे को एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक लगा। तो अभी मैं भी बस पे जाऊंगा, यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है, लेकिन ड्राइव पे 20 मिनट जहाँ पे मैं रह रहा हूँ तभी। दिस इज़ द रीज़न आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस और कार आना इतना क्यों ज़रूरी है।
हेलो और बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। एक्चुअली मैंने नॉर्मली गूगल पे जाके कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी, तो साइंस वाला तो क्लियर हो जाता है किसी भी पीडीएफ से, लेकिन रूल्स वाला, क्योंकि रूल्स में अमेंडमेंट्स होती रहती है। तो हुआ क्या, जो मैंने पढ़ी थी पीडीएफ वो थोड़ी आउटडेटेड थी, उसमें वैल्यूज़ थोड़ी पुरानी थी। जैसे एक क्वेश्चन था कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मिनिमम कितने अमाउंट तक हम पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो मेरी पीडीएफ में था 10,000, लेकिन अब लिमिट रिवाइज हो चुकी है, अब हो गई है 2,000। तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो उसका टेस्ट क्लियर हो गया था पहली बार में ही। तो मैंने उससे बात बात करी, मैंने कहा आप कहाँ से पढ़ रहे हो, तो उसने बताया कि उसको एक पीडीएफ मिली है जो ड्राइविंग स्कूल वाले इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन्होंने भेजी है। तो मैंने उससे पीडीएफ ले ली, फिर वो पढ़ी, फिर उससे मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। अगर आपको वो चाहिए, मैं उसका लिंक और जो मैंने पहले पढ़ी थी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप डाउनलोड कर। तो देख सकते हैं वॉलमार्ट के अंदर ही टीम हॉर्टन्स हॉर्टन्स सब है, पर टीम हॉर्टन्स में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कुछ जल्दी कुछ चिप्स वेप्स उठा लेता हूँ। ये है भाई महंगे चिप्स, ये मिल रहे हैं $2 for $5, $5 का एक। तो ये ट्राई करूँ क्या, मैंने कभी करा ही नहीं है। मैंने पिज्ज़ा वाला करा है, वो भी गलती से राखी पे किसी ने हमने गिफ्ट दे दिया था, मैंने कभी भी खरीद के नहीं खाया है। या लेस के काम करते हैं, यही ले लेते हैं, दो अलग अलग फ्लेवर। एक बारबेक्यू ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं सम स्पाइसी चेडर, हॉट चेडर। बाकी लेस के बड़े अतरंगी अतरंगी फ्लेवर होते हैं, जैसे रेड कलर का लेस पूरा केचप वाला, सॉल्टेड तो होता ही है। तो यहाँ पे सेल्फ चेकआउट होता है, आप खुद ही अपना जो भी कॉमोडिटी है स्कैन करनी है, अपने आप इधर आ जाएगा। तो मैं चिप्स लेके दोबारा वापस आ गया हूँ, लेकिन बस निकल ही गई है मेरे को लग रहा है। अब उससे अगली बस लेनी पड़ेगी, वो भी 10 मिनट में, तब तक हम ये सनसेट इंजॉय करते हैं। और फिर से मैं बेंच पे अकेला बैठा हूँ, टूटे नहीं होने की। हाँ बस अब ठीक है, खा लिया। और यही वाली बस पर तो लाइन ही लगी रहती है, पता नहीं क्या है। तो अगर आप एक ही घंटे में एक से ज़्यादा बार बस लेते हो तो आपकी एक ही बार पैसे लगेगी। अब जैसे मैंने वहाँ टैप किया हुआ था वो एक घंटा ही हुआ था, तो अभी मैंने जब यहाँ टैप करा तो मेरा फ्री टाइम हुआ। गाइस हमारी बस ख़राब हो गई थी, तो उसने सब बस वालों को इधर बस स्टेशन पर उतार दिया। तभी मेरे को आज जो मैंने $180 खर्चे हैं, 160 प्लस 16, अब मेरे को पैसा वसूल लग रहा है, क्योंकि बसों का तो कोई हाल है नहीं। आपको बस 20 मिनट दूर कहीं जाना तो आप 3 बस बदलोगे, 2 बस बदलोगे, और 20 मिनट के जगह 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओगे। न्यू मेट्रो बन गया है, ब्लू लाइन येलो लाइन पकड़ी, 10 रुपये का रिक्शा करा, पहुँच गए। सो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ 3 बस बदल के अपने घर के पास। सो पूरा दिन ही लग गया, सुबह से रात हो गई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस।
हाँ मेरे को पता है ये व्लॉग थोड़ा बोरिंग होगा काफ़ी लोगों के लिए, बट अब मैंने सोचा था इसके बाद कहीं जाऊंगा और व्लॉग कंटिन्यू करूंगा, पर वैसा हो नहीं पाया। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर कुछ अच्छी जगह जाऊंगा, इससे तो सरकारी ऑफिस के अलावा कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके बाय।